जैसे मैंने आपसे कहा कि यहाँ पे 800 से ज़्यादा बिल्डिंग है और हज़ारों से ज़्यादा लोग हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज़ हो रही है। हे गाइस, दिस इज सलमान सैयद एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज ट्रैवल डेट नंबर 14 है और मैं अभी हूँ मियामी में। मियामी जो कि एक बहुत ही फेमस शहर है अमेरिका का और फ्लोरिडा स्टेट में, जो मैप में अगर आप देखो तो यहाँ दिखता है। कल आया था मैं मियामी और आपको थोड़ा बहुत मियामी दिखाया मैं, पर आज के वीडियो में मैं आपको पूरा मियामी घुमाने वाला हूँ, पूरा इन द सेंस जितना मेरे से हो सकेगा उतना। और यहाँ की जो फेमस प्लेसेस है मैं वो आपको दिखाऊंगा, और अगर यहाँ पे आप आते हो तो आप क्या क्या घूम सकते हो और क्या क्या चीज़ें हैं आप देख सकते हो मियामी में। अब जिस जगह पे मैं हूँ उसको कहते हैं साउंडस्केप पार्क। ये पार्क बहुत ही फेमस है साउंड्स और म्यूजिक्स के लिए, परफॉर्मेंसेस के लिए, और यहाँ की जो अलग ही तरीके की जो ट्रीज़ है, जो ट्री स्ट्रक्चर है, बहुत ही खूबसूरत तरीके से जो ट्रीज़ लगाए हैं यहाँ पे, एकदम बीच टाइप ट्रीज़ जो होते हैं आप वो देख लो। इस पार्क के एग्जैक्टली ऑपोजिट में है ये टेंपल ऑफ इमानुएल, जो कि एक ज्यूइश टेंपल है। फिर इस टेंपल के बाजू में है ये एक और फेमस बिल्डिंग जिसको कहते हैं फिल्मोर। फिल्मोर जो है एक थिएटर है, लाइव परफॉर्मेंसेस होते हैं, मोस्टली म्यूजिकल परफॉर्मेंसेस होते हैं, तो उसके लिए ये बहुत जाना जाता है और बहुत बड़ा है। फिर साउंडस्केप पार्क से अगर आप 5 मिनट वॉक करोगे थोड़ा नॉर्थ की तरफ, तो यहाँ पे ये बहुत ही प्यारा एक मेमोरियल बनाया है, हॉलोकॉस्ट मेमोरियल जिसको कहते हैं। ये मेमोरियल बनाया है उन लोगों की मेमोरीज में जो हॉलोकॉस्ट का शिकार हुए थे या जिनकी डेथ हुई हॉलोकॉस्ट से। कुछ लोग सर्वाइव करे, बहुत ज़्यादा लोग की क्या बोलते हैं मृत्यु हो गई थी, तो ये उनको श्रद्धांजलि या फिर उनको रिस्पेक्ट देने के लिए ऐसा मेमोरियल बनाया जाता है। होलोकॉस्ट मेमोरियल और बोटानिक गार्डन से आर्टडेको जो डिस्ट्रिक्ट है वो अबाउट 10 से 12 मिनट की दूरी पे है। आपको जस्ट स्ट्रेट वॉक करना है तो यहाँ से ऑफिशियली स्टार्ट होता है आर्टडेको डिस्ट्रिक्ट। आर्टडेको डिस्ट्रिक्ट मतलब यहाँ से ये जो बिल्डिंग्स है यहाँ पे आप देखो, यहाँ से पूरा वहाँ के एंड तक आप जितना आगे जाओगे वहाँ तक ये जितनी भी सारी बिल्डिंग है, दीज आर ऑल इन आर्टडेको स्टाइल। दिस प्लेस इज़ अबाउट 1 mile स्ट्रेच एंड देर आर अबाउट 800 बिल्डिंग्स। इस 1 mile के एरिया में अबाउट 800 से ज़्यादा बिल्डिंग है और वो मोस्टली इधर इन आर्ट डेको स्टाइल और दे आर इन मेडिटेरियन। यो मैन, दे आर इधर इन आर्ट डेको स्टाइल और इन मेडिटेरियन स्टाइल, मॉडर्न स्टाइल, और दे कॉल इट मियामी मॉडर्न विच इज़ लाइक मीमो। So all these buildings are in all those styles. Basically they are in Art Deco style. And Art Deco was very popular from 1920s to 1940s. उस समय में Art Deco developed हुआ। And जो भी modern cities है like New York, Mumbai और New Zealand में एक town है and Miami, ये सारे places जो है these were built during 1920s and 1940s. That's why all these places they have mostly Art Deco buildings here. ये आर्ट डेको डिस्ट्रिक्ट सिर्फ बिल्डिंग के लिए नहीं, वैसे और भी चीज़ों के लिए जाना जाता है। यहाँ पे अगर आप देखो मेरे राइट साइड में, यहाँ पे ये सारी होटल्स है। ऑलमोस्ट एवरी बिल्डिंग
इज़ अ होटल और अ बार जहाँ पे आप बैठ के अच्छे से बूस्ट ले सकते हो। हर किस्म की अल्कोहल यहाँ मिलेगा और हर किस्म का फूड मिलेगा। आप यहाँ पे लोगों को देख सकते हो, लोग यहाँ पे फुल एंजॉय कर रहे हैं, फुल मज़े कर रहे हैं। तो यहाँ पे लोग मोस्टली उसी के लिए आते हैं। यहाँ पे नाइट लाइफ बहुत सही है। अगर रात को आपको पब में, बार में जाना या फिर क्या बोलते हैं क्लब्स जाना अच्छा लगता है तो ये प्लेस बहुत सही जगह है उसके लिए। फिर आर्डेगो डिस्ट्रिक्ट के ही अटैच में एक छोटी सी बीच है जिसको कहते हैं मसल बीच। मसल बीच ऐसे दिखती है यहाँ पे। अभी तो दोपहर है बट अगर आप मॉर्निंग और इवनिंग में यहाँ पे आओगे तो यहाँ पे मोस्टली लोग अलग अलग तरीके से मसल बिल्ड करते हैं। लाइक बहुत सारी अलग अलग एक्टिविटीज़ यहाँ पे होती रहती है। बहुत ही ऑसम प्लेस है ये वाला, हमेशा लाइव रहता है। यहाँ पे अगर आप आओगे तो आराम से यहाँ पे आप घंटे बिता सकते हो बिना किसी प्रॉब्लम के और फुल फ्री एंटरटेनमेंट आपको मिलेगा यहाँ पे। जैसे मैंने आपसे कहा कि यहाँ पे 800 से ज़्यादा बिल्डिंग है और हज़ारों से ज़्यादा लोग हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज़ हो रही है, तो ये सारी चीज़ तो मैं आपको नहीं दिखा सकता। अगर आपको सब कुछ देखना है तो आपको यहाँ खुद फिज़िकली आना होगा। पर मैं उम्मीद करता जो भी मैं आपको दिखाया आज के वीडियो में आपको देख के वो मज़ा आया होगा। अगर मज़ा आया तो प्लीज़ गिव अ थम्स अप। आपके पास कोई भी कॉमेंट्स है, सजेशन है, कुछ भी आप कहना चाहते हो प्लीज़ राइट इन द कमेंट सेक्शन बिलो। मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि आपको मैं नवे नवे पार्ट अमेरिका के दिखा सकूँ, नए शहर दिखा सकूँ, नवे कल्चरल लाइफस्टाइल दिखा सकूँ। एंड ऐसे ही अगर आप लोग सपोर्ट करते रहोगे तो इंशाल्लाह अमेरिका के हम बाहर जाएंगे और अलग अलग कंट्रीज़ घूमेंगे और मैं आपको अलग अलग कंट्रीज़ दिखा सकूँगा। और उसके लिए टाइम है अभी। अगर आप नवे हो इस चैनल पर तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड क्लिक ऑन दैट बेल आइकन ताकि आपको मेरी सारे न्यू वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो आपको मिलता हूँ मैं कल एक और मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए मेरे प्यारे दोस्तों, लाइफ में जो करना है करो, बट डोंट फॉरगेट टू स्टे हैप्पी। चाओस।